कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहाँ जिंदगी खड़ी है। बिल्कुल सच है दोस्तों, उस लम्हा को संवारने के लिए काफ़ी सारे लोग जो है भाग दौड़ में लगे हुए हैं। जब से कोरोना आया है लोगों के बहुत बुरे हालात हैं, किसी की नौकरी गई है, किसी के बिजनेस गए हैं, किसी के धंधे चौपट हो गए। इसी के चलते हुए काफ़ी सारे लोग हैं जो नए नए बिजनेस की सोच रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो एक बिजनेस है बकरी पालन, तो बकरी पालन की तरफ आना चाहते हैं, और काफ़ी सारे लोग आ गए हैं। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिना जानकारी के कोई भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उसमें नुकसान खा सकते हैं। इसी के लिए दोस्तों, मैंने एक बकरी पालन कोर्स स्टार्ट किया है। जो कोई नया बकरी पालन करना चाहता है उन लोगों के लिए बहुत आसानी से बकरी पालन करने वाला कोर्स जो है मैंने बनाया है। इसका वीडियो हर संडे को अब तो मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ने जो बकरी पालन कोर्स किया है CIRG केंद्रीय बकरी अनुसंधान से मैंने बकरी पालन का कोर्स किया है। पिछले 20 साल से छोटा मोटा बकरी पालन कर रहा हूँ। अभी प्रॉपर 5 साल से मैं कॉमर्शियली गोट फार्मिंग कर रहा हूँ। बहुत अच्छी सक्सेस मुझे मिली है। जितना मैंने सीखा है, प्रैक्टिकल किया है, आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे PPR। दोस्तों, अगर PPR के बारे में जान लिया तो आप कभी फेल नहीं हो पाएंगे। PPR बकरी फ्लेग, ये एक विषाणु जनित रोग है। ये रोग संक्रामक है तथा महामारी के रूप में बकरियों में फैलता है। झुंड की 90% से ज़्यादा बकरियां संक्रमित होती है तथा मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा 50 से 90% तक हो सकती है। दोस्तों, मैं मार्क करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने झुंड की 90% बकरियां है, यानी दोस्तों अगर लगभग हमारे पास 100 बकरी है तो 90 बकरी इसके संक्रमित में आ जाती है, और 50 से 90% बकरी जो है मर जाती है, यानी 50 से 90 बकरी हमारे मर जाती है। ऐसे ये बीमारी है। इसके जो लक्षण होते हैं दोस्तों, पहला लक्षण है इसका, रोग में ग्रस्त बकरियों को तेज़ बुखार 206 डिग्री तक हो जाता है। दूसरा है, नाक से पानी या द्रव मुँह होठों में जीभ पर होना, छोले हो जाते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं नाक से पानी आना। दूसरा चित्र दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे हैं होठ वे जीभ पर छाले हो जाना, जिससे कि ये जानवर खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते हैं। तीसरा जो लक्षण है, काले रंग के दस्त एवं निमोनिया इस रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे चित्र में फिर से, इस प्रकार के दस्त हो जाने से पानी की कमी आ जाना, पानी की कमी आने से जानवर जल्दी मर जाता है। आप अगले चित्र में आप देख पा रहे हैं फेफड़े। दोस्तों, फेफड़े जो है निमोनिया की वजह से ख़राब हो जाते हैं, और ख़राब फेफड़ों के चलते बहुत जल्दी जानवर मर जाता है। निमोनिया बहुत बुरा घातक बीमारी। रोकथाम, दोस्तों इसका रोकथाम है, नए रेवड़ को पुराने रेवड़ से तुरंत ना मिलाएं। नए आगंतुक पशुओं को अलग रखकर संबंध होने से पूर्व टीकाकरण ज़रूर करें। दोस्तों, अंडरलाइन करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो नया बकरी लेके आ रहे हैं, पुराने बकरी के रेवड़ में मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो नई बकरी लेके आ रहे हैं उसका कोई पता नहीं उसमें क्या बीमारी होगी। इसलिए नए वाली बकरियों को हमारे पुराने रेवड़ में जब तक नहीं मिलाए, तब तक नए वाले जानवरों का हम टीकाकरण नहीं करते, वैक्सीनेशन करके ही उनको मिलाना चाहिए। ज़रूरी बात दोस्तों, जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया है कि इस बीमारी को आने से पहले इसका इलाज होना ज़रूरी है। ये बीमारी आने से पहले इसका इलाज PPR वैक्सीनेशन टीकाकरण करके इस बीमारी को हमारे फार्म में न आने के 90% चांस हो जाते हैं। इन्हें में ये टीका लगता है, इसी को ही साइंटिफिक गोट फार्मिंग कहते हैं। दोस्तों, पूरे वीडियो का निचोड़ इन्हीं लाइनों में है। दोस्तों, हम जब भी फार्मिंग कर रहे हैं, कोई भी बकरी लेके आ रहे हैं, बकरा लेके आ रहे हैं, तो उनका जो है वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे काफ़ी सारे वैक्सीनेशन है जिनका वीडियो इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आज का जो PPR का है वो 3 साल में ये एक बार PPR का टीका लगता है। 3 साल में एक बार टीका लगना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई जानवर में बीमारी नहीं आए। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी यही बोलूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ, जिससे बकरी पालन करना आसान हो जाए। कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।